नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। आज है 9 सितंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आप नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने का टारगेट आज हमारा 1500 लाइक, तो अब इसी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद जरूर लिखें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल को मंजूर करे बल्क ड्रग पार्क, सीएम ने केंद्रीय मंत्री से की जोरदार पैरवी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को दिल्ली पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री से बल्क ड्रग फार्मा पार्क को स्वीकृत करने की पैरवी की है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख एल मंडाविया से भेंट की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश एशिया का फार्मा हब है और बल्क ड्रग फार्मा पार्क की स्वीकृति से प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। परिवहन और उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह बोले, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में मॉडल राज्य बनेगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में मॉडल राज्य बनाया जाएगा। ये बात परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बुधवार को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में हिमाचल दूसरे राज्यों से आगे रहे, इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी लाई जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सतत विकास की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी और राज्य में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन नीति का कार्यान्वयन होने से लोग पुराने वाहनों के स्थान पर नए वाहन लेने के समय इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रेरित होंगे। परिवहन मंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश में वाहनों के चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग पॉइंट अधिक से अधिक संख्या में विकसित किए जाएंगे। ये सुविधा पेट्रोल पंप और अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया है। बैठक में नादौन में ट्रांसपोर्ट नगर और ड्राइविंग प्रशिक्षण और जांच केंद्र स्थापित करने के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। परिवहन मंत्री ने अधिकारी को इस संबंध में आगामी शनिवार तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती परिवहन योजना के तहत प्रदेश में 22 सितंबर 2021 से पहले राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी। ये समिति प्रदेश में विभिन्न एम्बुलेंस सड़कों को एम्बुलेंस परिचालन के पास करने के लिए अपनी संस्तुति देगी। मौसम, बारालाचा दर्रे सहित मनाली की चोटियों पर बर्फबारी, प्रदेश में 11 सितंबर तक भारी बारिश के आसार। मौसम के करवट बदलते ही जिला लाहौल स्पीति व पर्यटन नगरी मनाली की चोटियों पर बर्फ के फाये गिरने का क्रम शुरू हो गया है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में बारिश का दौर आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। 11 सितंबर तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश के आसार है। लाहौल स्पीति व किन्नौर को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में राज्य में भूस्खलन होने की आशंका है। बारालाचा दर्रे के आसपास बर्फबारी शुरू हो गई है, लेकिन वाहनों की आवाजाही अभी सुचारू है। मनाली की चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है, जिससे मनाली का मौसम ठंडा हो गया है। लाहौल में भी समस्त ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। दूसरी ओर इन दिनों मनाली में सेब का तूड़ान और लाहौल में गोभी का सीजन चल रहा है। लगातार जारी बारिश से इन किसानों बागवानों की दिक्कतें बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश भर में 14 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। वही मैदानी एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 9, 10 और 11 सितंबर को भारी बारिश, आदर्भ आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट रहेगा। उन्होंने भारी बारिश के मद्देनजर पर्यटकों व आम लोगों से घरों से बाहर निकलने पर एहतियात बरतने, नदी नालों के किनारे न जाने का परामर्श दिया है। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की मौत, 163 आए नए संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर कोरोना से संक्रमितों का आना लगातार जारी है। 1 सितंबर से अभी तक की बात करें तो कोरोना ने 8 दिन के अंदर 19 लोगों की जान ली है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में मौत के मामले भी कम नहीं हो रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना से 4 और लोगों की मौत होगी, जबकि 163 नए संक्रमित मामले आए। बुधवार को कोरोना से चंबा में 62 वर्षीय महिला, हमीरपुर में 55 वर्षीय महिला, कांगड़ा में 74 वर्षीय व्यक्ति और मंडी में 56 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं नए संक्रमितों में बिलासपुर के 15, चंबा के 8, हमीरपुर के 20, कांगड़ा के 38, किन्नौर के 4, कुल्लू के 8, लाहौल स्पीति में 2, मंडी के 25, शिमला के 28, सोलन के 3 और ऊना के 12 मरीज शामिल है। इसके अलावा एक दिन में 138 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 215,074 पहुँच गया है। वर्तमान में 1,703 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है।
कोरोना काल में ठप हुआ टैक्सी ऑपरेटर्स का काम, यूनियन ने सरकार से उठाई मांग। कोरोना काल में टैक्सी ऑपरेटर्स का काम पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके चलते ज्वाइंट टैक्सी यूनियन वेलफेयर कमेटी जिला शिमला ने सरकार से पिछले 2 सालों का टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स माफ करने की मांग की है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान यूनियन के महासचिव संदीप कंवर ने बताया कि शिमला शहर में पिछले कई वर्षों से सरकार द्वारा टैक्सी यूनियन की प्रीपेड बूथ लगाने की योजना चल रही है, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक इस बारे में कोई रूपरेखा सरकार व प्रशासन द्वारा तैयार नहीं की गई है। कृषि हिमाचल में 2015 रुपए में बिकेगा क्विंटल गेहूं, अन्य फसलों का दाम भी तय। केंद्र सरकार हिमाचल में मंडियों को ढांचागत मजबूती प्रदान करने में मदद करेगी। प्रदेश में वर्तमान में कुल 63 मंडियों में किसानों की फसलें बेची जा रही है। सरकार किसानों को घरों के पास मंडियां विकसित करने के लिए 15 और नई मंडियों का निर्माण करेगी। हिमाचल के किसानों को वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं खरीद मूल्य पहले 1975 प्रति क्विंटल था, जो अब 40 रुपये बढ़कर 2015 हो गया है। इस तरह से पहले चना 5100 रुपये प्रति क्विंटल था, ये अब 130 रुपये बढ़ने के बाद 5230 हो गया है। सरसों के खरीद मूल्य में 400 रुपये की वृद्धि हुई और अब सरसों 5050 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जबकि पहले ये 4650 रुपये प्रति क्विंटल था। केंद्र सरकार के फैसले के बाद प्रदेश में मंडियों को ढांचागत मजबूती प्रदान की जा सकेगी। प्रदेश में 19 मंडियां ई नाम से जोड़ी गई और अन्य मंडियों में ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। खबर चंबा से, सड़कों का काम लटकाने पर ठेकेदार को 2,90,00,000 रुपए का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में किसी सरकारी विभाग ने काम में लेट-लतीफी करने वाले ठेकेदार को 2,90,00,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। साथ ही ठेकेदार को आवंटित किए गए 4 टेंडरों को भी रद्द कर दिया गया है। ये कार्यवाही लोक निर्माण विभाग चंबा मंडल की ओर से की गई है। विभाग की ओर से ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से 4 सड़कों को बनाने का टेंडर आमंत्रित किया गया था, लेकिन ठेकेदार सड़कों के निर्माण कार्य में लेट-लतीफी कर रहा था। कार्य को एग्रीमेंट के अनुसार समय पर पूर्ण करने के लिए विभाग ने कई बार ठेकेदार को नोटिस जारी किए, लेकिन ठेकेदार ने विभाग के नोटिस को दरकिनार करते हुए सड़कों के कार्य में तेजी नहीं दिखाई। इसके चलते लोनीबी के अधिशासी अभियंता ने ठेकेदार को 2,90,00,000 की पेनल्टी लगाने के साथ ही टेंडर रद्द करने की रिपोर्ट बनाकर विभाग के मुख्य अभियंता को भेजी है। IGMC शिमला में स्क्रब टाइपस से 19 वर्षीय लड़की की मौत। कोरोना के बीच इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल IGMC में स्क्रब टाइपस से पीड़ित एक लड़की की मौत हो गई। अस्पताल में इस बीमारी से ये पहली मौत है। लड़की की मौत के बाद से अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है। मंडी की रहने वाली 19 साल की लड़की को पिछले महीने अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया था। यहाँ पर यह लगातार चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा था, लेकिन गंभीर अवस्था के चलते लड़की की मौत होगी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 27 से शुरू होगी BEd और MEd की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की BEd और MEd की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो गया है। शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। शेड्यूल के अनुसार BEd की परीक्षाएं 27 सितंबर से 22 अक्टूबर तक चलेगी, जबकि MEd कोर्स की परीक्षाएं 27 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में आज सुबह 11 बजे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परीक्षा एवं मूल्यांकन पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। राजनीतिक सिफारिश के आधार पर किया हेड टीचर का तबादला, कोर्ट ने किया रद्द। राजनीतिक सिफारिश के आधार पर किए गए हेड टीचर के तबादले को गंभीरता से लेते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। न्यायाधीश आलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन बेहत की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता बाबूराम की याचिका पर यह फैसला सुनवाया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिरी सुंदरनगर जिला मंडी के हेड टीचर ने अपने तबादलादेश को चुनौती दी थी। बिना किसी प्रशासनिक परामर्श अधिकार के किए गए इस स्थानांतरण आदेश को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि केवल किसी कर्मचारी का वास्तविक और ठोस कारणों से ही स्थानांतरण प्रस्ताव कर सकता है, मगर प्रशासनिक विभाग के अधिकार को अत्यंत उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। खबर कुल्लू से, अटल टनल में HRTC बस ने किया ओवरटेक, 7500 रुपए जुर्माना। अटल टनल रोहतांग हुक्का लाहौल जारी हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की बस ने सुरंग के भीतर ओवरटेक कर दिया। हालांकि बस के आगे चल रहा ट्रक बस चालक को आगे निकलने का सिग्नल दे रहा था, इसके बाद भी बस चालक ने ओवरटेक कर दिया। डबल लेन रोहतांग टनल के भीतर वाहनों को ओवरटेक करना मना है, इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। निगम की बस का वीडियो पीछे से जारी एक गाड़ी में सवार व्यक्ति ने बनाया। उधर पुलिस अधीक्षक कुल्लू गुरदीप शर्मा ने कहा कि अटल टनल के भीतर ओवरटेक करने पर HRTC पर
7,500 रुपए का जुर्माना किया गया है। कहा है कि टनल के भीतर ओवरटेक करना जोखिम भरा है, साथ ही इस पर कड़ा प्रतिबंध है। बाल विज्ञान सम्मेलन 20 तक करे आवेदन, 6 से 12 तक के विद्यार्थी ले सकते हैं भाग। बाल विज्ञान सम्मेलन के लिए सूबे के सरकारी और निजी स्कूल 20 सितंबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर बच्चों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सब स्कूलों को यूजर नेम और यूजर पासवर्ड उपलब्ध करवाया गया है, जिससे ऐप पर जाकर बच्चों के नाम रजिस्टर किए जा सके। आवेदन के लिए 4 सितंबर से पोर्टल शुरू कर दिया गया है। सम्मेलन में प्रदेश भर के सैकड़ों विद्यार्थी भाग लेते हैं। बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद करवाता है। कमजोर मानसून, हिमाचल में घटने लगा बिजली उत्पादन, 2 से 5 लाख यूनिट की कमी। हिमाचल प्रदेश में कमजोर मानसून से बिजली उत्पादन घटने लगा है। सितंबर के पहले सप्ताह में रोजाना 2 से 5 लाख यूनिट बिजली उत्पादन की कमी आना शुरू हो गई है। सेंट्रल शेयर निजी परियोजनाओं से बिजली लेकर अब प्रदेश की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। बिजली उत्पादन कम होने से पड़ोसी राज्यों को भी अब अधिक सप्लाई नहीं बेची जा रही है। आने वाले दिनों में बिजली परियोजनाओं में पानी की कमी यूं ही जारी रही तो प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तरह बिजली संकट गहरा सकता है। गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से रूबरू हो गए प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज का लक्ष्य पूरा करने में देश भर में अव्वल रहे हिमाचल प्रदेश के लोगों को संबोधित करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर सूबे के लोगों से बातचीत करेंगे। 25 सितंबर को मोदी 5 गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से पेट्रोल में कार्यक्रम करवाया जाएगा। प्रदेश सरकार की पीएमओ कार्यालय से इस बारे में बातचीत होगी है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर